हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे टमाटर के पापड़। मैं आज घर में टमाटर के पापड़ बना रही थी, चलो मैं सोची आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। चलिए इसे मैंने कैसे बनाई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने सबसे पहले टमाटर ले ली हूँ और इसको अच्छे से धो ली थी। अब इसे मैंने चॉप कर ली हूँ। अब इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। अब देखिए मैंने टमाटर का ये पेस्ट बना ली हूँ। अब टमाटर के पेस्ट को हम छान लेंगे। देखिए इसे मैंने अब छान ली हूँ। हमने साबुदाना ले लिया है जिसे मैंने रात भर भिगा के रख दी थी। अब इसको भी हम मिक्सी के जार में इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए इसका भी मैंने एक पेस्ट बना ली हूँ। अब हम टमाटर के पेस्ट में ये साबुदाना का पेस्ट मिक्स कर देंगे। अब इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसे हम पकने देंगे। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक चम्मच इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे और ये आधा चम्मच खाने का सोडा। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये बहुत गाढ़ा है, इसमें हम दो गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम पतला करेंगे क्योंकि पकने के बाद ये फिर गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम आधा चम्मच फूड कलर मिलाएंगे। आप चाहे तो ना भी मिलाए तो चलेगा। अब इसको हम पकने देंगे। जब तक पकने देंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसे हम चलाते रहेंगे नहीं तो ये गंज में चिपक जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अब ये गाढ़ा हो गया, इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के पका लेते हैं। अब ये पेस्ट हमारा तैयार है पापड़ बनाने के लिए। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके हम पापड़ बना लेंगे। अब हमने ये झिल्ली के ऊपर पूरी चूड़ी रख दी ताकि पापड़ एक जैसे बने। अब चूड़ी के अंदर सभी पेस्ट को हमने डाल दिया है। अब हम धीरे धीरे चूड़ी को निकाल लेते हैं। अब ये सभी पापड़ बन के तैयार है। इसे हवा में हम थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसे धूप दिखाएंगे। अब देखिए इसे हमने धूप में डाल दिया, एक दिन की धूप में पूरा सुखा दिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है, इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी सुखा लेंगे। देखिए अब 2 दिन की धूप में ये पापड़ अच्छे से सूख गए हैं। अब इसे हम फ्राई करके दिखाते हैं आपको। गाइस ये हमारे पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं गाइस अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय गाइस।